हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर धीरज शर्मा, फिजिशियन एंड कंसल्टेंट एट वी क्लिनिक होम्योपैथी कानपुर। आज हम अपने एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिनका नाम राजेश है। और राजेश जी को स्पर्म काउंट नील की समस्या थी और उनको ये समस्या पिछले 8 साल से थी और उन्होंने कई जगह से ट्रीटमेंट लिया लेकिन उनको किसी प्रकार का उसमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से हमसे, हमारी टीम से संपर्क किया और उन्होंने 4 महीने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया। 4 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद जो स्पर्म काउंट नील था आज की डेट में 42 मिलियन हो गया है और उनकी मोर्टिलिटी भी अच्छी खासी इम्प्रूव हो गई है। आइए सुनते हैं उनका फीडबैक वीडियो। हेलो हेलो जी, राजेश जी से बात हो रही है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, मैं वी क्लिनिक कानपुर से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? आपको नील स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम थी? आपने रिपोर्ट जो करवाई थी अभी लास्ट टाइम, जो आपने 1 महीने पहले रिपोर्ट भेजी थी, उसमें आपके 58 मिलियन दिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर देखिए, 40 मिलियन से जो ऊपर होता है स्पर्म काउंट तो वो हेल्दी माना जाता है, क्योंकि उस समय वो नॉर्मल में आप ठीक हो चुके हैं, आप हेल्दी हो चुके हैं। ठीक है सर, वैसे मेडिसिन ले रहे क्या अभी आप? हाँ जी, अभी चल रही है। अच्छा, मेडिसिन अभी चल रही है? चलिए ठीक है सर, मेडिसिन अभी कंटिन्यू रखिए, वैसे आप हेल्दी हो चुके। बाकी अभी एक बार और करा लीजिए टेस्ट। हाँ जी जी, बिल्कुल एक बार और करवा लीजिएगा। स्पर्म काउंट तो वैसे आपके ठीक हो गए, बस एक जो मोर्टिलिटी है वो आपके 50% है। चलिए ठीक है सर, अभी वैसे मेडिसिन कंटिन्यू रखिएगा, बाकी अभी ठीक हो जाएंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। यदि आप इस प्रकार की किसी भी समस्या से परेशान हैं, स्पर्म काउंट लो है या जो स्पर्मिया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो हमारी साइट है, हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके दिए हुए नंबर से हमसे अपने संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट प्लान बुक करें। धन्यवाद।